विदिशा जिले के गंज बासुदा एसडीओपी भारत भूषण शर्मा और सिटी थाना प्रभारी सुमित देसाई ने आज नगर में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर भ्रमण किया और लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी। शहर में फैल रहे नशे के कारोबार और नशे के आदि हो गए लोगों से संबंधित जो व्यक्ति मिले उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी और प्रशासन को इस प्रकार की मुहिम लगातार इसी प्रकार चलाते रहना चाहिए, जिससे नशेबाज और अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहेगा और अपराधों पर भी लगाम लग सके। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज बासुदा में नगर पालिका क्षेत्र में देहात थाना और सिटी थाने में कोविड-19 की जो गाइडलाइन मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी हुई है उसके तहत बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 24 वार्ड के सभी पार्षदगण और नगर के नगर पालिका के प्रथम नागरिक अध्यक्ष सभी मौजूद थे और पत्रकार बंधु और नगर के प्रतिष्ठित वर्ग के लोग सब मौजूद थे, जिनको कोविड-19 की गाइडलाइन के बारे में अवेयरनेस के लिए सभी को अवेयर किया गया है। और बीच मेन चौराहों पर मास्क चेकिंग, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर के उपयोग के लिए अवेयर किया गया है। ये मूल बैठक का आयोजन था। प्रथम श्रेणी में ये आयोजन करके उनको अवेयरनेस के लिए बताया गया है कोविड-19 की गाइडलाइन। सेकेंड में बी ग्रुप में नगर के 24 वार्डों में अवैध शराब, ड्रग्स, नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय और सेवन करने वाले व्यक्तियों के बारे में अवगत कराया गया है कि प्रत्येक वार्ड के पार्षद अपने वार्ड में ऐसे नशीले चीज़ों का, मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर नज़र रखें और पुलिस को गोपनीय सूचना दें और तत्काल टेलीफोन करें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उस वार्ड के पूरे नशा सेवन करने वालों पे के विरुद्ध और क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वार्ड के पार्षद और पुलिस मिलके इस अभियान में कार्रवाई करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कल मगन दुबे नमक सेवन करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र भोपाल रवाना किया गया है। इसी तरह मादक पदार्थ के सेवन करने वाली जो युवा पीढ़ी बढ़ रही है, जिनके पालकगणों को, गार्जियंस को भी अवेयर किया गया है कि जिससे ये आदर्श बासुदा बने और नशे की प्रवृत्ति से युवा वर्ग दूर हो। कोरोना को लेकर सर देखा जाता है व्यापारियों को कि एक बैठक रखी गई थी आपके द्वारा ही, उस समय व्यापारियों ने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया। अब जब तक प्रशासन व्यापारियों के लिए सख्त नियम कुछ नहीं बनाएगा तब तक कोरोना से कैसे बच पाएंगे सर? निश्चित रूप में इसमें सख्त नियम बनाए गए हैं, पर कोरोना कोविड-19 वो भयावह और डरावने रूप में आया हुआ है, जिसका कभी आवास नागरिकों को नहीं था, इसलिए उन लोगों को उसी तरह अवेयरनेस किया जा रहा है। और हमारे पुलिस के अधिकारीगण, पुलिस का स्टाफ, PI, सब इंस्पेक्टर्स बीच चौराहे पर उनको माइक का अनाउंस करके अवेयर कर रहे हैं कि इस कोरोना से हम लोग सावधान रहें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जहां ने इस तरह कोरोना के उन लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।